जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि बारो, बुधवार का दिन 8 फरवरी, अति गंड योग, पूर्वा फागुनी नक्षत्र, शुक्र जिसका स्वामी है, रात 8:15 तक। उसके बाद उत्तरा फागुनी नक्षत्र का उदय होगा, सूर्य जिसका स्वामी है। आज आपकी कुंडली में शुक्र और सूर्य का प्रभाव रहेगा, राहु की छाया, मंगल बृहस्पति की दृष्टि होगी। आज चंद्रमा आपकी कुंडली के लाभ स्थान में गोचर करेगा, और चंद्रमा जब लाभ स्थान में होगा उस समय आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनि के साथ शुक्र का गोचर होगा, और सुख स्थान में सूर्य का बुध के साथ है। तुला राशि वालों के मन में उतार चढ़ाव बहुत दिनों से चला आ रहा था। आपके मन में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आपको परेशान कर रही थी, खर्च बढ़ रहे थे, आमदनी कम हो गई थी, आपके तरक्की के रास्ते में रुकावट हो गया था। पर अब बुद्धादित राजयोग के बनने से अब आपके जीवन में तरक्की भी आरंभ हो गई है, मन का विश्वास भी बहुत मजबूत हो चुका है, और आपके जीवन में सुख की प्राप्ति, कारोबार की स्थिति में सुधार, सुखद समाचार और परिवार में सहयोग बढ़ने लगा है। ये समय आपके लिए बड़ी तरक्की खुशहाली लेकर आया है, क्योंकि जब लाभ स्थान में चंद्रमा का गोचर होता है, जब सुख स्थान में बुद्धादित राजयोग बनता है, तब आपकी बाधा खत्म हो जाती है। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और तरक्की आपके जीवन में आरंभ हो जाती है। बड़ा सुखद स्थिति आपके जीवन की होती है, जिसमें धन भी होता है, कारोबार व्यापार में लाभ भी होता है, जीवन में आगे बढ़ने का उमंग भी होता है, उत्साह भी आपका बढ़ता है, और आपके जीवन में रिश्ते भी अच्छे हो जाते हैं। तो आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि पूर्वा फागुनी नक्षत्र में शुक्र स्वामी है, शुक्र आपके लग्न का भी स्वामी है। शुक्र की मजबूत स्थिति आपके जीवन में बड़ा सुख देता है, क्योंकि शुक्र की चाल बदलते ही तुला राशि के जीवन में बहुत सारी परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि लग्न का स्वामी जब सुखी होता है तब आपके जीवन में सुख धन बढ़ता है, तब आपके जीवन में तरक्की आरंभ हो जाती है, आपके बाधा खत्म हो जाते हैं, और लाभ के अवसर आपको प्राप्त होने लगते हैं। आत्मविश्वास भरपूर बना रहता है, जिसके कारण संपत्ति में वृद्धि होती है, जिसके कारण मन में खुशी होती है, कार्य में सफलता मिलता है, और आप स्वस्थ भी रहते हैं, भाग्यशाली भी बनते हैं, और अपने सारे काम को समय पर पूरा करते हैं, जो आपके जीवन में मधुरता लाता है, आपके जीवन में लाभ का योग बनाता है, सुख देता है, समृद्धि देता है, सौभाग्य को जगाता है। तो आज का दिन आपके लिए काफी सुखद है। आपके जीवन में कुछ बदलाव भी होंगे, धन लाभ का अवसर भी प्राप्त होगा, और जीवन की अड़चने भी समाप्त होगी। बेहद शुभ समय आरंभ हो गया है। बुध के राशि परिवर्तन होते ही बुद्धादित राजयोग, जो आपके लिए बड़ा सुख लेकर आया है, सौभाग्य लेकर आया है, शुभ फल आपको देगा, तरक्की उन्नति आपके जीवन में होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, आपके मन की इच्छा भी पूरी होगी, आपके सपने भी साकार होंगे, और आपके जीवन में ऊर्जा शक्ति बढ़ेगा, सुखी संपन्न जीवन होगा, तरक्की का अवसर भी मिलेगा, अच्छे मौके भी मिलेंगे, घर परिवार में खुशियां भी बढ़ेगी, और भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा। स्थिति धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है, महत्वपूर्ण काम आप पूरा करेंगे, आपके कार्य की तारीफ भी होगी,
और आपके जीवन में नौकरी व्यापार के साथ जीवन में सुख शांति भी बना रहेगा। बड़ा मजबूत स्थिति अब आपकी कुंडली में बड़ा लाभ सुख देगा। तुला राशि वालों के लिए आपकी कुंडली के लग्न में केतु का गोचर है। लग्न के ऊपर जब केतु का गोचर होता है तब आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है। आपके जीवन में उत्साह बढ़ जाता है। एक नया उमंग, एक नई उत्साह से अपने जीवन को आप नई दिशा देने में जुड़ जाते हैं, जिसमें आपको सफलता भी मिलता है, सुख भी प्राप्त होता है, कामयाबी भी आप पा लेते हैं। तो समय आपके लिए बेहतर अवसर लेकर आया है। आपकी कुंडली के सुख स्थान में बुद्धाधित राजयोग बना है, यानी चतुर्थ भाव में सूर्य बुद्ध का प्रभाव है। सूर्य लाभ स्थान का स्वामी है, बुद्ध भाग्य स्थान का स्वामी है, एक साथ सुख स्थान में बैठा है, जिसकी दृष्टि कर्म स्थान पर है। और कर्म स्थान का स्वामी चंद्रमा आपकी कुंडली के लाभ स्थान में बैठा है, पंचम भाव पर उसकी दृष्टि है। और पंचम भाव में शनि शुक्र का गोचर हो रहा है, जो आपके परिवार के लिए अच्छा है, आपके जीवन में गति देने के लिए अच्छा है, आपकी निराशा को दूर करने के लिए अच्छा है। जैसा आप चाहते हैं वैसा परिणाम मिलेगा। खुशियां आपके जीवन में बढ़ेगी, प्रेम आपके जीवन में बढ़ेगा। जो लोग नौकरी व्यापार कर रहे हैं उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि रहेगी और जीवन की गति तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। सप्तम भाव पर इस समय राहु बैठा है और अष्टम भाव में मंगल का गोचर है, जबकि छठे भाव में बृहस्पति का गोचर, जिसमें सप्तम भाव का राहु लग्न को देख रहा है और अष्टम भाव का मंगल धन भाव को देख रहा है। यानी आपके जीवन में जो तरक्की है, सुख है, लाभ है, शुभ स्थिति बड़ा तरक्की लेकर आता है, बड़ा मुनाफा भी बढ़ता है, आपके मन की इच्छा भी पूरी होती है, बड़ा खुश मिजाज आप होते हैं, आपकी चिंता भी दूर होती है। शक्ति देने वाला समय है, समृद्धि और पराक्रम को बढ़ाने वाला समय है। अगर आपकी उम्र 24 वर्ष के ऊपर है तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख बढ़ेगा, सफलता मिलेगी, भाग्य चमकेगा, समृद्ध होकर जीवन में बड़े लाभ आप अर्जित करेंगे। भाग्य की बुलंदी से आपके जीवन में लाभ और सुख की प्राप्ति होगी, बड़े भाग्यशाली आप होंगे। तुला राशि वालों, आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी चंद्रमा है, द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र है, तृतीय चरण का स्वामी बृहस्पति है, चतुर्थ चरण का स्वामी शनि है। प्रथम चरण का चंद्रमा लाभ स्थान में बैठा है, स्थिति को मजबूत बना रहा है, कामयाबी देगा, सफलता देगा, सुख देगा, आपके जीवन में शांति देगा, समृद्धि देगा, संतान की उन्नति करेगा, मन में खुशी देगा, यानी जीवन में उत्साह उमंग बढ़ता चला जाएगा। आपके लिए लाभ, सौभाग्य, धन, सुख सब कुछ बढ़ेगा। अच्छा समय आपका चल रहा है, विवाह का योग भी है, जीवन में पुनः सुख प्राप्त करने का अवसर भी है, मजबूत विचार हैं आपके, इच्छा शक्ति प्रबल है, किस्मत करवट बदल रहा है, समय का चक्र एक नई शुरुआत लेकर आया है, अवसर आपके सामने है, लाभ उठा सकते हैं, सुख पा सकते हैं, जीवन में बदलाव कर सकते हैं, उन्नति तरक्की निश्चित रूप से आपकी होगी। द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र है, शनि के साथ बैठा है, जीवन में सुख देगा, सुखद जीवन होगा, व्यापार अच्छा चलेगा, परिवार की परेशानी खत्म होगी, आपकी समस्याओं का समाधान होगा, परिवार में माहौल अच्छा होगा, जीवन में उत्साह भी होगा। और चतुर्थ चरण में शनि स्वामी है, तृतीय चरण में बृहस्पति, बृहस्पति की स्थिति मंगल और चंद्रमा के कारण अच्छी है और शनि की स्थिति शुक्र, बुध और राहु के कारण मजबूत हो गया है, जिसके कारण आपके जीवन में ये जो समय है बेहतर समय है। बहुत धन भी कमाएंगे, बड़ी सफलता भी पाएंगे, लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, सुख की कामना संतुष्टि देगी,
भरपूर जीवन का आनंद उठाएंगे, खुशखबरी सफलता और परिवार की खुशी को देखेंगे। तो तुला राशि वालों, विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग। 8 फरवरी बुधवार का दिन है, फागुन माह कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, अति गंड योग पूर्वा फागुनी नक्षत्र शुक्र स्वामी है, उसके बाद उत्तरा फागुनी नक्षत्र में सूर्य स्वामी है, शुक्र सूर्य का प्रभाव है, राहु की छाया, मंगल बृहस्पति की दृष्टि है, शुभ समय है, बेहतर दिन है, चंद्रमा लाभ में बैठा है, आपकी कुंडली के सुख भाव में सूर्य बुध का गोचर है, शुक्र शनि पंचम में और मंगल अष्टम भाव में राहु का सप्तम भाव में गोचर करना हर तरह से आज का दिन तरक्की उन्नति के लिए शुभ है। ऐसे समय का लाभ उठाकर आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं, अपने जीवन में बहुत काम कर सकते हैं। अब आपके लिए तरक्की का रास्ता भी खुलेगा, भाग्य के सितारे भी चमकेंगे, उन्नति भी होगा, परेशानियों से छुटकारा भी मिलेगा, बेहतर परिणाम आपके जीवन में सुख देगा, सौभाग्य देगा, आपके भाग्य को मजबूती देगा, जीवन में खुशियों का माहौल बनाएगा और आपके हर काम को पूरा करेगा, जिससे सफलता भी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी, सुख धन की प्राप्ति भी होगी। आज ये दिन की शुरुआत सुबह 5:21 से 6:13 शुक्र के प्रभाव से दिन की जब शुरुआत होगी तो बेहतर परिणाम के अवसर आज आपको मिलते जाएंगे। अमृतकाल 1:11 से 2:57 मंगल बृहस्पति की दृष्टि और शुक्र का प्रभाव बेहतर लाभ सुख देगा। विजयी मुहूर्त 2:26 से 3:10 का समय सूर्य और शुक्र का प्रभाव बेहद ही फलकारी होगा, शुभ होगा, जीवन को काफी सुखी बनाएगा, करियर में नई ऊंचाई देगा, अच्छे अवसर, अच्छे मौके, धन कमाने का, सुख पाने का सब कुछ मिलेगा। आज राहु काल 12:35 से 1:58 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश न करें, उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत न करें। आपके लिए लकी कलर सिल्वर है, लकी नंबर 9 है। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, सारे संकट दूर होंगे और हनुमान जी के आशीर्वाद से जीवन में सुख संपत्ति बढ़ेगी, भाग्य का सितारा चमकेगा। तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।